ट्रेवल्स एंड मेरी डेट्स हबीब ने एक महीने पहले ही बुक कर ली थी. आई बीन ट्रैवलिंग अ लॉट नाउ डेज, स्टार्टिंग अ कपल ऑफ न्यू बिजनेसेस. सो बट आई मेड श्योर दैट आई एम हियर ऑन टाइम एंड एक अच्छा एफर्ट डाला है एन इंटरेस्टिंग इवेंट को पुट टुगेदर करने के लिए. टू ऑलवेज चीयर देम ऑन एंड एनकरेज देम एंड आई थिंक इट वेंट ऑफ रियली वेल. और ये तो पहला सीजन है, आई वॉन्ट मोर सीजन्स ऑफ द सेम. आज के ज़माने में आई थिंक नए टैलेंट को काफ़ी यू नो इग्नोर किया जाता है. तो जितने ज़्यादा अवार्ड सेरेमनीज हों, जितने ज़्यादा न्यू टैलेंट को फेलिसिटेट किया जाए, उतना हमारी कट थ्रोट कंपेरेटिव इंडस्ट्री में उनकी जगह बनती है. तो आई थिंक दैट इनक्रेज करना चाहिए ये ट्रेंड अवार्ड्स देने का, क्योंकि उससे हमें उभरते टैलेंट के बारे में पता चलता है और उनको आगे बढ़ने का एक मौका भी मिलता है. पूजा मिश्रा आज नए लुक में नजर आ रहे हैं, क्या है ये बदलाव? टुडे आई एम ऑल इंडियन, आई एम वेयरिंग अ राजस्थानी लहरिया साड़ी और राजस्थानियों को आज मैंने बैंगल्स पहना दिए. जोक्स असाइड, आई जस्ट फीलिंग रादर ट्रेडिशनल टुडे. वेल, दिस साड़ी इज़ फ्रॉम माई ओन साड़ी कलेक्शन विच आई डेडिकेटेड टू यश राज फिल्म्स, बिकॉज आई थिंक दे ड्रेस द हीरोइंस द बेस्ट इन साड़ीज एंड आई एम सुपर एक्साइटेड अबाउट माई फोर्थ कमिंग प्रोजेक्ट्स. दो प्रोजेक्ट्स इस साल मैं कम्प्लीट करना चाह रही हूँ अपने छोटे से प्रोडक्शन हाउस के बैनर के अंडर. और एक तो है मेरा म्यूजिक वीडियो हॉटर देन यू और एक है एक शॉर्ट फिल्म. सो या जस्ट वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. थैंक यू. ये तो पहली बात तो मैं ऊपर वाले का शुक्र अदा करूँगी, देन लविंग माई मॉम एंड डैड, देन ऑफकोर्स हबीब. उसने बोला मुझे कि दीदी हम अवार्ड शो करें, मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए. तो मैंने बोला कि तू भाई है, किशोर फिल्म्स का सपोर्ट आपके साथ लाइफ टाइम रहेगा. सो ही ऑर्गेनाइज दिस अवार्ड शो एंड इट्स रियली वेरी गुड, वेरी अप्रिशिएबल टू हिम एंड लुकिंग फॉरवर्ड मोर सीजन्स. ये हाँ ओके. सो अभी रिसेंटली कुछ लाइक वन मंथ बिफोर एक हमने म्यूज़िक वीडियो लॉन्च किया जिसका नाम है नाज, जो कि किशोर फिल्म्स के पेज में ही रिलीज़ किया, जिसमें हमने कुंडली भाग्य की जो थर्ड लीड है ट्विंकल वशिष्ठ, उनको हमने कास्ट किया उसमें. एंड मेरा मोटो क्या है ना, हमारे किशोर फिल्म प्रोडक्शन कंपनी का मोटो ये है कि जो आर्टिस्ट है, अननोन आर्टिस्ट, उनको कोई जल्दी ना ब्रेक नहीं देता है. दो चीज़ इंडस्ट्री मांगती है, एक आप पैसा डालो या फिर आप, एवरीबॉडी नोज, आगे मैं बोल नहीं सकती हूँ, सब अच्छे से जानते हैं वो चीज़. तो मैंने ये डिसाइड किया है कि जो बेचारे जिनको लोग नहीं जानते लेकिन टैलेंट से भरपूर है, उनको हम मौका देते, एक नोन लेते और एक अननोन लेते, तो दोनों का हम जुगलबंदी दिखाते कैमरे के वाया या पर्दे के वाया, सो दैट कि उसको भी हाइप मिले और जो ऑलरेडी हाइप में है उनको और हाइप मिले. और हमारा अभी एक NGO है स्क्लोविया, जो बेसिकली दैट NGO वर्क्स फॉर अ स्कूल गोइंग चिल्ड्रेन, जो कि अभी बच्चे के सुसाइड करते हैं, मार्क्स कम हो जाते हैं या फिर प्यार का चक्कर, वो तो सबसे बड़ा बीमारी है. तो यहाँ पे सब एक दूसरे ने प्यार कर रखा होगा. अच्छा नहीं कर रखा है, उसने बोला नहीं कर रखा. तो ये एक मसला है आज की जनरेशन में बच्चों के ऊपर, तो वो चीज़ को रोके. तो उसके साथ वो NGO हमारे साथ टाई अप लिया है, तो अभी हमारा 15 प्रोजेक्ट दूर रहे एग्जैक्टली और फोकस करें अपने उसके माँ बाप जो चाहते हैं वो उनके ड्रीम्स को फुलफिल करें. तो दैट इज़ आर मोटो एंड वी हैव 15 प्रोजेक्ट्स लाइंड अप. तो मतलब आप लोग की तो ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग तो हमेशा रहते हो, आप ही हो जो जिनको बढ़ाने के लिए बढ़ाते हो, गिराना तो यू नहीं गिराते. थैंक यू सो मच. थैंक यू. कांग्रेचुलेशन, आपको अवार्ड मिला है. थैंक यू वेरी मच. कितने एक्साइटेड हैं इस अवार्ड के लिए? डरे हुए क्यों हैं? नहीं नहीं जी जी क्या करते हैं? क्या है आपका काम और
किस बात के लिए आपको अवार्ड दिया? हम लोग अभी कोविड के बाद से, जब से कोविड से था तब से हम लोग फिटनेस के या मतलब के प्रोटीन रिलेटेड प्रोडक्ट में हमारा फोकस था, तो हमने देखा अभी कि पीनट बटर जो है अभी के लिए वो एकदम परफेक्ट प्रोटीन मतलब एनर्जी सबको दे रहा है। तो अभी हमारा स्टार्टअप हुआ एक साल हो गया है। हम लोग पहले गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में लॉन्च किया और अभी हम महाराष्ट्र में अभी महाराष्ट्र में फोकस कर रहे हैं हम लोग। तो अभी नेक्स्ट टाइम से महाराष्ट्र में ही हमारा ये सब तो उसका जो प्रोग्राम है वो महाराष्ट्र में ही रहेगा पूरा। पीनट बटर में क्या होता है कि प्रोटीन भी मिलता है, तो डे टू डे लाइफ में लोग फिटनेस के रिलेटेड अवेयरनेस है लेकिन यूज़ नहीं करते कि कितना प्रोटीन चाहिए उसको, तो ये पीनट बटर के साथ प्रोटीन भी मिलता है तो उसकी हेल्थ भी सही रहती है। अभी लोग क्या है कि जंक फूड ज़्यादा खाते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा, तो ये प्रोटीन चीज़ नहीं मिलती उसको, तो ये यहाँ पे प्रोटीन भी मिल सकता है अभी पीनट बटर के साथ में। क्या कुछ टिप देना चाहेंगे तो इस तरीके के बर्गर पिज़्ज़ा टिप्स तो यही देना चाहेंगे कि कम से कम खाए और जितना भी हो सके हेल्दी फूड खाए, क्योंकि अभी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि रेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉपर लाइफस्टाइल में जंक फूड ज़्यादा हो गया है तो क्या हो गया डिसीज भी ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए हेल्दी फूड खाए तो हेल्दी रहेंगे। मुंबई में ब्रांचेस हैं? नहीं, अभी मुंबई हमारा स्टार्टअप अभी लॉन्च करने वाले हैं मुंबई में। कब से लॉन्च? नेक्स्ट मंथ से चालू करना है। चौकस पक्का। चलिए, ये शहीर आटा है, ये फर्स्ट टाइम अभी बॉम्बे में हम लोग ने लेके आया है। ये हमारा एक साइड बिजनेस है और हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है, तो ये हम लोग ने हमारा पूरा पोटेंशियल डाला है अभी इसके अंदर और हम ये देख रहे हैं क्या हर लोगों को प्योर और ऑर्गेनिक और अच्छा प्रोडक्ट मिले, अच्छा खुराक मिले जिससे वो हेल्दी रहे। हमारा मेन मोटो वही है कि सबके घर पे जावे और सबको मिलेगी। थैंक यू सो मच। क्या खास बात है और क्या सर? इसकी खास बात ये है कि हमारे जो ग्रेन्स हैं हम लोग कोई भी एपीएमसी से या कोई किराने शॉप से नहीं लिया है, ये हम लोग डायरेक्ट एमपी मंडी से लेते हैं और वहाँ से डायरेक्ट हम लोग लेके यहाँ पर पूरा इसको प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस करने के बाद में निकलता है। इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ग्रेन्स के अंदर वो पूरा क्लीनिंग होता है, 0% ह्यूमन टच है, 100% हाइजीनिक है और बहुत अच्छी क्वालिटी है और हम लोग ऑलरेडी 35 सेलिब्रिटीज़ को सर्व कर चुके हैं। इसमें कुछ क्या कहते हैं कि डायबिटीज़ वगैरह इस तरीके का पेशेंट भी खा सकता है? यस 100% खा सकता है। इसमें ये है क्या, इसमें हाई फाइबर है तो हाई फाइबर से क्या होगा आपकी जो भी डायबिटीज़ ऊपर नीचे होती है, ब्लड प्रेशर अप डाउन होता है और सब नॉर्मल रहेगी और आपका जो एपेटाइट है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी स्ट्रांग हो जाएगा। 5 kg का प्राइस क्या? 5 kg का प्राइस 310 है, बट अभी हमारा एक इंट्रोडक्टरी ऑफर है जो हम लोग 45 rupees ऑफ दे रहे हैं इस रमजान महीने में। ओके जबेल भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको, वो दो अवार्ड मिले, किस बात के लिए मिले और क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अवार्ड को लेकर? इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड जो हो रहा है, फैशन शो हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये अवार्ड हबीब को हो रहा है, वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, अभी से नहीं 8 साल से है और जब उसने कहा कि वो ये शो फर्स्ट टाइम करना चाहता है और इनमें कंटेस्टेंट भी वो लोग हैं जो शायद फर्स्ट टाइम रैंप कर रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों नहीं नए टैलेंट को आगे बढ़ने दे और इसलिए मैं उनको बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिवली, उनकी ज्यूरी भी थी और फैशन पार्टनर भी थी, पर सचमुच बहुत ही अच्छा लगा जिस तरीके से उसने मैनेजमेंट किया है, इज़ वेरी नाइस। मैं बहुत सारे शोज़ करती हूँ पर इनकी मैनेजमेंट वॉज आउट ऑफ द ब्लू, बहुत अच्छा लगा। और जब वो कंटेस्टेंट्स हमारे स्टोर पे आते थे और फर्स्ट टाइम उन्होंने डिज़ाइनर वेयर पहना और उनके चेहरे पे जो हंसी थी और आज उन्होंने जो कॉन्फिडेंस के साथ वॉक किया, इट वॉज नाइस, हैट्स ऑफ। क्या कुछ यूएसपी थी आज के शो के लिए और क्या कुछ आपने विशेष एफर्ट डाला था रेस को लेकर शो के लिए? USP ये सब कंटेस्टेंट ही है जिसने इतनी हिम्मत दिखाई यहाँ पे आने के लिए और सारे एफर्ट्स बेचारे उन्हीं ने डाला था, हम तो बस आपको सुंदर बनाते, उसको दिखाते आप हो। थैंक यू। प्रोग्राम है ये बहुत अच्छा रहा और हबीब भाई के लिए मेरी दिल से शुभकामनाएं हैं कि वह आगे बढ़ते रहें,
खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इतना अच्छा प्रोग्राम बहुत ही शानदार है। यहाँ जितने भी लोग आए हुए हैं, हमारी माता बहनें आई हुई हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस की है, बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम स्वामी भवानी महाराज है और मेरा वास्तु का, रत्नों का, इन चीज़ों का मैं एक्सपर्ट हूँ देखने का और बताने का। किसी की कोई प्रॉब्लम होती है उसी को देखते हैं, और मेरे पास राजनेता और फिल्म स्टार भी और ब्यूरोक्रेट्स, ये सभी लोग मेरे से मिलते हैं। जो नई पीढ़ी है वो कम जानती हैं, जो पुराने बड़े नेता हैं वो तो करीब करीब सभी मुझे जानते हैं। मीडिया वालों का समय कभी खराब नहीं होता, सब अच्छा ही अच्छा चलता है। क्योंकि आज मीडिया नहीं होता तो इस देश की, इस दुनिया की खबर हम तक ना पहुंचती। तो मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ से हम सबको, जिनके घर में टीवी नहीं है उन्हें भी, कोई अखबार से देखता है, कोई टीवी से देखता है और कोई मोबाइल से देखता है। तो बहुत अच्छा लगा, और आप सभी मीडिया वालों के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ऐसे ही अपने को काम करते रहें और आगे बढ़ते रहें। आप सब लोगों के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें और आगे बढ़ते रहें। जय भारत, जय हिंद। देखिए, ये हबीब जी का प्यार है जो मुझे लखनऊ से मुंबई लेके आया, और जो इज्जत हबीब जी ने मुझे दी और उसके मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐसा प्रोग्राम, मतलब मैंने प्रोग्राम बहुत अटेंड किए मगर ऐसा प्रोग्राम नहीं था जिसमें पहले, सबसे पहले नेशनल एंथम की शुरुआत की गई, इसमें देसी चीज़ों को प्रमोट किया गया, देसी कलाओं को प्रमोट किया गया। लोग पश्चिम की सभ्यता के साथ भाग रहे हैं मगर इन्होंने जो अपना कल्चर है उसको दिखाने की कोशिश करी, तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे प्रोग्राम ऐसे होने चाहिए। मैं चाहूँगा कि लखनऊ में भी आप हबीब जी आएँ और एक ऐसा प्रोग्राम करें। मेरा पूर्ण रूप से समर्थन, इनको सपोर्ट हर तरीके से इनको रहेगा। पहले तो मैं इनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा, ये मेरे बड़े भाई हैं, और अगर मेरी, मुझसे या मेरी टीम से कुछ माफ़ी हो गई तो इनको काफ़ी देर रुकना पड़ा बिकॉज शो कुछ देर से शुरू हुआ है, तो उसके लिए भी माफ़ी चाहूँगा। और ये कहना चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे हाथ पे रखिए, सिर पे रखिए। और इनके जैसे लोग हैं जिनकी वजह से एक आम आदमी कुछ बनने का सोच सकता है। आज एक आम आदमी सोचता है कि मैं ये चीज़ करूं तो इनका सपोर्ट रहता है। एक आम आदमी सोचता है चलो मुझे कुछ बिजनेस शुरू करना है तो राहुल भाई का सपोर्ट रहता है। एक आम आदमी सोचता है मुझे पढ़ना है तब भी राहुल भाई का और उनके पार्टी का सपोर्ट रहता है। तो आज एक आम आदमी को क्या चाहिए रहता है, एक अच्छा यू नो, एक ऐसी गवर्नमेंट चाहिए जो जिसकी नीति अच्छी हो और ऐसे लोग चाहिए जो उनको वो नीति तक पहुँचाए। अपने यहाँ काफ़ी कुछ स्कीम्स है बट स्कीम इंसान तक, मतलब लोकल आदमी तक नहीं पहुँच पाती। राहुल जी ने ऐसे बहुत सारे, इनका लखनऊ में बहुत सारे एनजीओज में इनका ये चलता है। अभी जैसे हमारे मीडिया के रिलेटेड बोलूँगा कि ही इज हेड ऑफ फिल्म सेंसर ऑफ यूपी, सॉरी फॉर नॉट मिस्टेकन, राइट, प्रदेश कार्यसमिति भारतीय जनता पार्टी। हाँ, तो इनके पास बजट्स होते हैं ये शॉर्ट फिल्म वगैरह में, तो ये नए टैलेंट को प्रमोट करते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि जिन जो कलाकार इधर भटकते हैं, इन जैसे लोग हमें काम देंगे और नए टैलेंट को उत्साह मिलेगा कि नहीं चलो कोई है जो हमें टैलेंट से काम दे रहा है ना कि सिफारिश से। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और मैं चाहूँगा आपका आशीर्वाद हमारे टीम पे हमेशा बना रहे। मैं चाहूँगा आप लखनऊ आके एक शो जरूर करें हमारे साथ में। पक्का पक्का। देखिए, पार्टी की गाइडलाइन है उसको फॉलो करना करते हम लोग। हमारा मेन कर्तव्य होता है कि जो सरकार की नीतियाँ हैं उसको जनता तक पहुँचाना और एक एक आदमी को उसका लाभ दिलवाना।
लोग नीतियाँ तो बहुत सी बनती है मगर लोगों को पता नहीं होता कि किससे किसको क्या फ़ायदा मिलने वाला है, तो उस जनता को उसका लाभ पहुँचाना ये हम लोग की जिम्मेदारी होती है, नैतिक जिम्मेदारी, उसका हम लोग निर्वहन करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग कुछ नहीं करते, जो सरकार नीति की उसका निर्वहन करते हैं कि वो चीज़ जनता तक पहुँचे केवल। देखिए जो जो पोर्टल या पत्रकार मान्यता प्राप्त है इस समय तो सो कॉल्ड यूट्यूबर और जो मान्यता प्राप्त पोर्टल नहीं है वो भी अपना को पत्रकार की थ्रेडिंग रख रहे हैं, उसको क्या होता है पत्रकारों की गरिमा गिर रही है। हमें कहीं ना कहीं इस पर भी सेंसर लगाना पड़ेगा, उन लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा जो केवल एक वीडियो बना करके या ब्लैकमेलिंग करके केवल अपना चैनल चला रहे हैं। केवल मैं संदेश ये कि उनसे हमको बाइकआउट करना चाहिए। और मैं यही कहूँगा सर आप मुंबई हर बार आया कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, और आपका मुंबई में आना हमारे लिए ऐसा है कि जैसे मोदी जी खुद आए मुंबई। अरे कहाँ मोदी जी, कहाँ कहाँ, तुलना कर दिया आपने। संगीता मुड़िया और मैं एक डांस कोरियोग्राफर हूँ, साथ ही मैंने अभी पेजेंट भी जीता है मिसिस इंडिया सुप्रीमो वेस्ट जोन। उसके अलावा पनाश में मुझे वुमेन्स ऑफ सब्सटेंस का अवार्ड भी मिला है, साथ ही में अखिलेश सर का बहुत सपोर्ट रहा है, दादा साहब फाल्के मिला है, प्राउड ऑफ इंडिया अवार्ड मिला है। तो इस तरह से मैं आज मुझे ये जो अवार्ड मिला है तो उनमें मतलब अखिलेश सर को बहुत थैंक यू सो मच सर, आपने मतलब आगे भी इनका सपोर्ट रहेगा तो मैं इसी तरह से आगे बढ़ना चाहूँगी, मतलब थैंक यू। मैं क्या है कि एक्चुअली एनजीओ में भी रहती मतलब हूँ और जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे मैं बच्चों को जो है फ्री में डांस सिखाती हूँ, और कॉलोनी में काफ़ी लेडीज़ और बच्चे हैं, और स्कूल में काफ़ी मतलब मैं एक्टिव मतलब मैं बीआरसी से हूँ तो वहाँ पे काफ़ी स्कूल हैं, 6 स्कूल है, तो वहाँ पे जज बन के भी जाती हूँ और वहाँ पे स्कूल में कोरियोग्राफी भी करती हूँ। तो मेरा दिनचर्या यही है कि मैं दिन भर डांस ही डांस, मेरा डांस ही मतलब आगे भी मुझे डांस ही करना है, क्योंकि मैंने क्लासिकल कथक में मैं विशारद किया है और स्टेट में मैं फर्स्ट रही थी एक ज़माने में, मतलब पहले तो मैं जयपुर से मैंने विशारद किया हुआ है। थैंक यू सर। जुलिका भागचंदानी एंड टुडे आई एम सो प्रिविलेज्ड एंड ऑनर टू हैव दिस अवार्ड विच इज़ फॉर द रनवे एज अ रनवे मॉडल। थैंक यू हबीब सो मच, थैंक यू डॉक्टर स्नेहलता फॉर इन्वाइटिंग मी to be part of this grand celebration wherein India Pride Walk is happening and India Excellence Award is happening. So thank you so much, this is really special to me. Thank you so much. So happy and honored to be part of this grand show. Thanks to Habib, Dr. Snehlata and Catalyst and the whole team. Thank you so much. पहली बार तो मैं हबीब को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ पे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनवाइट किया है, और उनका एक पहला वेंचर है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ है, और मैं शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आगे का वेंचर्स भी उनके बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू हबीब। मेरा नाम प्रेम गढ़ा है, प्रीशा क्रिएशन हमारी फॉर्म है, हम लोग ब्यूटी कॉन्टेस्ट के लिए क्राउन्स बनाते हैं। इस शोज़ में मैं एज अ हबीब के साथ एज अ क्राउन पार्टनर एसोसिएट हुआ हूँ इंडियन प्राइड वॉक में, और आई वांट टू थैंक्स हबीब एसोसिएट करने के लिए और काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज करने के लिए शोज। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हबीब को कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा उसके नए प्रोडक्शन के लिए, कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट के लिए, एंड ये काफ़ी बढ़िया शो रहा, मुझे बहुत मज़ा आया इसके लिए, एंड टीम को धन्यवाद कहूँगा मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, मुझे यहाँ पे सम्मानित करने के लिए मेरे कुछ काम के लिए, तो बहुत दिल से धन्यवाद और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, आई एम संगीता आशी and I've been the groomer for this beauty pageant. I've been a very good friend and a bro. Habib Nirtiwala is a brother for me. He's also, you know, I've been working for him for last 3-4 years, and it's been a pleasure working with him.
it's very difficult for this beauty pageant to judge, because all were so beautiful, all the contestants were so beautiful, and it was difficult for us to judge together. But yes, of course, may the best one win. It was like for us and Miss and Mrs. category, it was a fair judgment. And सबसे पहली बात तो ये जो beauty pageant है, इसमें कोई fixing नहीं था, तो it was a pleasure being judging this contestants, because it was fairly on the jury judgments. So besides that, yes, I would like to. हाँ जी, उसी को मिला है. So we were happy because जो जूरी बैठे हैं सब लोग, उनके जो मार्क्स थे वही काउंट हुआ है. सो जो मार्क्स थे उनके वही काउंट हुआ है. सो इट वॉज अ फेयर, वेरी फेयर जजमेंट. या मैं नाम प्रियंका राम है और मैं थाने जोनल हेड हूँ इस शो की. मुझे बहुत अच्छा लगा कि बहुत ही कम समय में इतना बढ़िया शो हो चुका है, हुआ है यहाँ पर. और सभी लेडीज इतनी खूबसूरत निकली थी. कई तो मॉडल्स ऐसी थी कि उनका फर्स्ट टाइम था, बट मैडम ने इतने बढ़िया से उनको ग्रूम किया है कि वो एकदम प्रोफेशनल लग रही थी. उनका जो एंड ऑफ द डे उनका जो फाइनल्स था जो स्टेज पर, बहुत ही बढ़िया था. और हमको बहुत ही मज़ा आया क्योंकि इतना बढ़िया हर एक कंटेस्टेंट इतना मस्त परफॉर्मेंस किया उन्होंने कि आई एम आउट ऑफ वर्ड्स एक्चुअली. सो यस, बट एंड ऑफ द डे समवन हैज़ टू बी द विनर. एंड मैं बहुत खुश हूँ कि जो जो जूरी का फाइनल रिजल्ट था वो बहुत ही उम्दा रहा. एंड डेफिनेटली जो बेस्ट है वो ही जीता. ऑसम ऑसम ड्रेसेस, बहुत ही फैंटास्टिक डिज़ाइनर थी ऋतु गोयल. तो उन्होंने बहुत बढ़िया से उनको ड्रेसअप किया उनके हिसाब से, उनकी पर्सनलिटी के हिसाब से, कलर कॉम्बिनेशन और पूरा जो उनका गेटअप था बहुत सुंदर किया है. तो प्रियंका का आउटफिट जो आपका आउटफिट है वो भी डिज़ाइनर ने दिया था कि आप? नहीं, हम लोग ने अपना खुद किया है. यस, इट हैज बीन इंस्पायर्ड बाय संगीता मैम. इवन आई एम मेंटोर्ड बाय हर. तो वो शी इज वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स वी हैव इन द इंडस्ट्री राइट नाउ. थैंक यू सो मच. यस, इट हैज बीन द थॉट ऑफ बाय मी. ये मैंने सोचा अपने लिए. ऑफ कोर्स आई एम एज आई सेड आई हैव बीन ऑलवेज बीन इंस्पायर्ड बाय हर. तो ये थोड़े से टिप्स हमेशा मुझे मिलते रहते हैं मेरे इस आउटफिट के बारे में. हाउ नाइस, थैंक यू सर. एंड यस, इंस्पायर्ड बाय हर. एंड थोड़ी बहुत मेरी इनपुट यहाँ पर एंड ऑल द इंस्पिरेशन. थैंक यू, थैंक यू. वेरी गुड. या इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन, बिकॉज खूबसूरती जो निखर के आती है एक कंटेस्टेंट की, वो आउटफिट से ही आती है. और रितु गोयल हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब. शी इज़ गिवन ब्यूटिफुल आउटफिट्स थ्रू आउट द शो. किसी का भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये कम है और ये ज़्यादा है. परफेक्शन विद द पर्सनैलिटीज. एंड आई वुड रियली थैंक हर फॉर बींग ऑन बोर्ड्स एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू सी हर फॉर मेनी अदर शोज. And besides that, yes, of course, we've been training for a long time for this pageant, and it was such a good time, throughout the whole session of it, because with Habib, it was such an honor, such a pleasure to work with. He is such a kind person, he is such an honorable person, and yet very down to earth. And this is the thing which I learned from him. He's very down to earth, being an actor and a producer now, and now a beauty pageant organizer. It's been a pleasure working with him. Thank you so much. Thank you. Yes, रोजे तो चल रहे हैं. तो आप सभी को भी रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और अपनी दुआओं में हमें भी शामिल कीजिएगा, और सभी को ईद मुबारक भी. आई थिंक जब तक ये आई थिंक ऑन एयर जाएगा या कहीं होगा, शायद ईद आसपास ही होगी, तो आप सभी को ईद मुबारक. इंडियन प्राइड वॉक कैटलिस्ट एंटरटेनमेंट ने जो बनाया है प्रोग्राम, बहुत अच्छा एफर्ट है. हमेशा बहुत खुशी होती है जब आप आके काफ़ी सारे यंग टैलेंट्स के बीच में आके उन्हें इनकरेज करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं, उन्हें अवार्ड मिलता है. मैं वही बोल रहा था अभी किसी को कि जब भी मैं ऐसे अवार्ड फंक्शन में आता हूँ तो ऐसा एक रिवाइंड हो जाता है अपने आप को. ऐसा लगता है कि यार बहुत साल पहले मैं भी ऐसे
शुरू किया था और इसी तरह अवार्ड फंक्शन से जाता था। बहुत अच्छे एफर्ट है हबीब और डॉक्टर स्नेहलता की तरफ से नए टैलेंट को रिकग्नाइज करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू देम। ये उनका पहला साल है, इनॉगरल ईयर है, और मैं आशा करता हूँ कि आने वाले कई सालों तक इसी तरह इंडियन प्राइड अवार्ड जो हैं अच्छे से बहुत ही सुपर अच्छा और बहुत बड़े अवार्ड्स आने वाले वक्त में बने। मेरी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। हबीब एक एक्टर भी है और होस्ट भी है, तो उससे मेरी कई सालों से मुलाकात है और अलग अलग रूप में उससे मैं मिलते रहा हूँ। कभी वो एज एन एक्टर मिला है, कभी वो एज अ होस्ट मिला है, कभी वो ऑर्गेनाइजर मिला है, और आज हबीब और मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए हैं साथ में। और बहुत अच्छा लड़का, जब उसने मुझे कहा कि मैं भी अपने अवार्ड्स कर रहा हूँ तो मैंने कहा मेरी तरफ से क्या सपोर्ट चाहिए आपको क्या, तो उसने कहा कि सर आपको आना पड़ेगा, दिक्कत सिर्फ यही कि रमज़ान में है, तो वो थोड़ा सा और था क्योंकि रोज़ा खोलने का टाइम है। अभी मैंने रोज़ा खोला है, लेकिन मैं हबीब के लिए फिर भी आया। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू हिम, और आई होप ये इंडियन प्राइड अवार्ड आने वाले वक्त में और बड़े बने। अभी तो सिर्फ रमज़ान है, ईद है, उसके बाद May 12th को एक मेरी फिल्म रिलीज़ है बायलिंगुअल, जिसका नाम है म्यूजिकल स्कूल, जिसमें श्रेया शरण, शर्मन जोशी, प्रकाश राज, मैं, शान और काफ़ी सारे आर्टिस्ट हम लोग कर रहे हैं। तो ये हिंदी और तेलुगू में है। एक और मेरी पंजाबी फिल्म है, वो ऑन फ्लोर जाएगी। और मेरी लास्ट जो फिल्म आई थी साइलेंस, जिसमें मनोज सर, मैं, प्राची देसाई हम लोग थे, उसका सीक्वल साइलेंस 2 जुलाई के अंदर हम लोग शूट करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं हबीब को कॉन्ग्रेचुलेट कहना चाहूँगी, बिकॉज शो बहुत ही अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही अच्छे से स्मूथली सब कुछ हो रहा है, बिकॉज इतने सारे कंटेस्टेंट हैं, इतने सारे चीज़ें चल रही हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बीच बीच में क्लासिकल डांस का परफॉर्मेंस था, भरतनाट्यम परफॉर्मेंस था, तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि इंडियन प्राइड वॉक के साथ हमारी संस्कृति का भी इतना अच्छा समन्वय किया गया है। देख के वाकई बहुत अच्छा लगा। बीच में भरतनाट्यम की जो डांस की कृतियाँ थी बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे बीच में जो प्रेजेंट किया, एंड सारी लड़कियों ने, खूबसूरत परियों ने बहुत अच्छे से वॉक किया, कितना कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। वाकई बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, मज़ा आया। कितना जरूरी होता है इस तरीके का लोगों को देना? ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं एक्चुअली बहुत सही सवाल पूछा आपने, मैं यही सोच रही थी कि इस तरह के कंपटीशन से क्या फ़ायदा होता है, क्यों अपने पेरेंट्स बच्चों को इस तरह के कंपटीशन में भेजें। तो इसका सीधा आंसर है, आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, कैसे वॉक करना क्राउन के साथ, बहुत मेकअप और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको ग्रूम करने में हेल्प करती है। आप जब ऑडियंस के सामने आते हो और ऐसे ही कहीं घूमते फिरते दिखते हो, उसमें बहुत फ़र्क होता है, बिकॉज विथ मेकअप, हेयर, नाइस कॉस्ट्यूम, कॉन्फिडेंट वॉक, तो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है। इस तरह से हमें एक्सपीरियंस मिलता है आगे बढ़ने का। आज ये प्लेटफॉर्म मिला है तो कल इससे भी बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। और हमारे देश में कम एग्जाम्पल नहीं है, कितनी विश्व सुंदरियाँ या मिस यूनिवर्स हमारे देश से ही है, तो ऑलवेज उन्होंने हमें प्राउड करवाया है, और ये लड़कियाँ भी हो सकता है हमें कल उन्हीं चेहरों में देखने को मिले। उर्वशी जी क्या कर रही है इस अभी निजी जीवन में, क्या कुछ चल रहा है, और दर्शक क्या? यस, अभी मैंने एक शो किया नथ जेवर या जंजीर करके, एंड मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत जल्दी आपको पता चलेगा। और उसके अलावा भी मैं क्रिएटिव राइटिंग भी अभी कर रही हूँ, कि बहुत कुछ अपने कॉन्सेप्ट पे भी काम कर रही हूँ, और आगे तो आपको पता चल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। इट हैज़ बीन अ प्रिविलेज इंडीड यहाँ पे आने के लिए। पूरा का पूरा एक्सपीरियंस इज माइंड ब्लोइंग, इज इट विल बी लास्टिंग ऑन आवर मेमोरीज इटर्नली। एंड आई एम सॉरी फॉर, बिकॉज आई हैव चेंज माई ड्रेस एंड आई हैव नॉट इन द ड्रेस विच हैज प्रोवाइडेड मी, सो थैंक यू फॉर बेयरिंग विद मी। और कैटवॉक इज अ पार्ट ऑफ मी, विच इज़ वाई आई एम हियर। इट्स अमेजिंग टू बी ऑन द रनवे
बहुत प्रेशियस होता है जैसे चलना है, प्रोवाइड सम डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इंटायरली. और ये जो एक्सपीरियंस रहा है हबीब के साथ और पूरी टीम के साथ, इट्स अ डिवाइन एक्सपीरियंस ऑफ सॉर्ट्स. सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस चांस कैटलिस्ट एंड हबीब फॉर दिस प्रेशियस मोमेंट्स दैट आई हैव हियर टुडे. थैंक यू सो मच. बिल्कुल फर्स्ट अवार्ड था इंडियन एक्सीलेंस अवार्ड. और मैं चाहूँगा जितनी भी यहाँ पर सुंदरिया जो आई थी वो सारी की सारी विनर थी, क्योंकि एक रंगमंच पर जब मैंने देखा मुझे लगता था कि ये सब की सब विनर है. कितने इतना कॉन्फिडेंस था सब लोगों में. और मेरे दोस्त हबीब को और स्नेह लता को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, क्योंकि आप लोगों ने पहला साल धमाके से किया है, दूसरा तो डबल धमाका होगा. तो मेरे भाई हबीब भाई क्या बोल रहे थे, अरे मस्त किया रे बाबा ऐसा, अरे बोले तो देखो आगे रे. तो अभी मेरे भाई आज जो हुआ कमाल हो गया, हंगामा हो गया, मेरी उम्मीद से दुगना हो गया. कि अवार्ड बहुत सारे होते हैं मैंने देखा है, पर ये जो अवार्ड था बिल्कुल हटके था. और जिन लोगों ने मिस किया, जिनको जो नहीं आ पाए, मैं उनसे कहूँगा कि अगले साल तो मिस मत करना, क्योंकि जो धमाल हुई है और जो रियल जिन लोगों को मिला वो कमाल कमाल था, ग्रेट. और नहीं 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 मैं भाई से पूछ रहा हूँ, हमारी नहीं कहना चाहोगे आज इतना कीमती समय निकाल के वीआईपी जैसे मैं खाली ये कहना चाहूँगा कि वीआईपी मेरे बड़े भाई जैसे हैं, मेरे दोस्त भी हैं. और जब भी मैं इनको याद करता हूँ ये इचकी की तरह मेरे अंदर आ जाते हैं. तो मैं खाली मुझे इसको इचकी आती है और वीआईपी भाई मेरे सामने आ जाते हैं. और मेरा सौभाग्य है कि ऐसे यू नो शुद्ध लोग, मतलब जिनके मन में कोई पाप नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ऐसे लोग मेरे जीवन में हैं जो मेरे साथी हैं. तो ऐसे साथी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद परमात्मा से करूँगा इनसे. आप कुछ कहना चाहोगे जी? हाँ स्नेहा जी और हम दोनों ओके नहीं लेडीज़ बीच में होनी चाहिए. ओके कोई बात नहीं, ओके लेडीज़ बीच में होनी चाहिए. मैं इनकी बहुत बहुत ज़्यादा आभारी हूँ. ये एक बात भी इन्होंने मना नहीं किया है, जैसे पता चला जी सर कि लाइक ही आएंगे, बिल्कुल आएंगे, आए, इतना मदद किया. एंड हमारा जो गाना था मुंबई जी कॉलिन भाई, वी रियली एंजॉयड अ लॉट. और ये इंडियन प्राइड वॉक के लिए इन्होंने फुल सपोर्ट किया, सपोर्टेड लाइक एनीथिंग. थैंक यू वेरी मच. कुछ बहुत सारी यादें हैं. देखिए जैसे कि मैं मुझे डांस नहीं आता है, पर इन हबीब भाई ने मेरे पे मतलब ट्रस्ट किया कि वीआईपी तू ही कर सकता है ये. अरे बोले भाई मुझे डांस नहीं आता है, मतलब कर लेगा और कराया. और मेन तो मैं जो मेरी को आर्टिस्ट थी, डेब्यू एक्टर का अवार्ड इनको मिला बेस्ट डेब्यू एक्टर. यस तो आज मैं ये कहना चाहूंगा कि इनको लोग एज ए कॉमेडियन जानते हैं, बट अब दुनिया इनको एज ए एक्टर भी पहचानेगी. और इनको एज एन एक्टर बहुत बहुत काम मिले, ये परमात्मा से और एक गुजारिश. रमजान के महीने में मैं चाहता हूँ कि इनको बहुत सारी फिल्म मिले. शुक्रिया भाई. और ये भी जैसे हमारे शाहरुख खान है, सलमान जी है, जो 16-16 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए भी दिखे, वैसे ही 16 साल की लड़की के साथ रोमांस करते हुए दिखे. पिक्चर मिले ना मिले, जो लास्ट वाला बोला वो हो जाए. हाँ पाइपलाइन में बहुत सारी थी कि अभी एक मेरा एक लाइव शो शुरू हो रहा है जो कि पूरे मतलब पूरे वर्ल्ड में होगा, इंडिया तो होगा ही. अब बहुत जल्द आएगा, मेरे नाम पे शो आ रहा है भाई, मैं आपको भी याद करूँगा उसमें, क्योंकि अभी मैं कुछ पत्ते खोलूँगा नहीं, वो बहुत जल्दी मैं एक डेढ़ महीने के अंदर पता चल जाएगा लोगों को. बहुत ही काफ़ी बड़ा शो आ रहा है और उस शो में आप सभी प्लीज़ आपका आना बहुत ज़रूरी है और आपका प्यार आपका आशीर्वाद भी बहुत ज़रूरी है. जिस तरह से आप लोगों ने ढेर सारा आशीर्वाद इन दोनों को दिया है मेरे दोस्त को, उसी तरह से वो प्यार मुझे भी चाहिए, पर कुछ समय के बाद. अभी जैसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारी तीन कैटेगरीज थी. पहली कैटेगरी जो थी वो ब्यूटी पेजेंट की, जिसमें कोई फिक्सिंग नहीं था. पांच मिस कैटेगरीज के थे, पांच मिसेस कैटेगरीज के थे. आर्या हमारी मिस कैटेगरी की विनर है, अमिता जी है जो मिसेस कैटेगरी के विनर है. मैं खाली उनको बहुत बहुत मुबारकबाद ही देना चाहूँगा. और आपने देखा रहेगा प्रॉपर ज्यूरी ने उनके टैलेंट के बेस पे उनको चुना, प्रॉपर ज्यूरी ने उनको उनके टैलेंट के बेस पे चुना. यहाँ पे इंडियन प्राइम प्राइड वॉक में कोई फिक्सिंग नहीं होती, बहुत सारे इवेंट्स में फिक्सिंग होती है कि भाई इसको जिता दो उसको जिता दो, तो वो नहीं हुआ. ब्यूटी पेजेंट बहुत अच्छे से हुआ और जो विनर का हकदार था वो विनर हुआ. सेकेंडली एक फैशन रनवे था,
फैशन रनवे में जिसको जो लोग नए हैं जो डरते हैं ब्यूटी पेजेंट से तो उनको एक हौसला चाहिए आगे आने का, तो फैशन रनवे उनके लिए था, उनको भी ट्रॉफी मिली, दे वर वेरी हैप्पी। उनको क्राउन नहीं मिला बट अगले साल शायद वो आ जाएंगे हमारे ब्यूटी पेजेंट में। और जो थर्ड सेगमेंट था टाइटल होल्डर्स का था, अभी ऐसे हमारे देश में बहुत सारे, जैसे मेरी जो शो स्टॉपर है सुतापा इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और नेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है, योगा में गोल्ड और जिमनास्टिक्स में ब्रॉन्ज। तो मैं ये कहना चाहूँगा ऐसे वो दिल्ली से खास आई, तो हमारे टाइटल्स में ऐसे लोग हैं जो बाहर, जो हमारे मुंबई से बाहर के क्षेत्र हैं वहाँ से हम बुला रहे हैं उनको और उनको फेलिसिएट कर रहे हैं बिकॉज उनका इंडिया के लिए बहुत योगदान है। हमारी एक जो अंजलि करके है वो मिस एशिया रही है, तो वैसे बाद में एक सुजाता है जो बहुत ही डिफरेंट कैटेगरी है, एक मिसेस इंडिया है प्रियंका। तो वैसे बहुत आप देखेंगे हमारे जो प्रिंसेस है स्मिरल है काफ़ी शोज जीती है। सो हमारे टाइटल होल्डर्स का एक अलग ही सेगमेंट था जिन्होंने ऑलरेडी बहुत कुछ अचीव किया हुआ है, जैसे हमारे वीआईपी सर, इनको अवार्ड देना हमारा सौभाग्य है, ये अवार्ड ले रहे हैं ये सौभाग्य नहीं, बट हम इनको अवार्ड दे रहे हैं हमारा सौभाग्य है। वैसे जो हमारे टाइटल होल्डर्स हैं उनका और हमारे ब्यूटी पेजेंट जितने भी हमारे सपोर्टर्स हैं सबको धन्यवाद कहना चाहूँगा, कोरियोग्राफर से लेके डिज़ाइनर, बाद में सपोर्टर्स, ग्रूमर्स, एवरीवन, कैमरामैन, मीडिया, अगर आप सबका सपोर्ट नहीं होता, क्राउन पार्टनर, गिफ्ट पार्टनर्स, स्किन पार्टनर्स, एवरीवन, अगर सपोर्ट नहीं होता तो शायद ये शो हिट नहीं होता। तो आप सबका कोटि कोटि आभार हूँ, अगले साल भी मेरे साथ जुड़िएगा और प्लीज़ अगर मेरे से कुछ गलती हो गई रहेगी तो क्षमा कीजिए। अभी भी हो इट वॉज लाइक थ्रिलिंग एक्साइटिंग, लेकिन जिस तरह से हर लोगों ने इतनी मदद की, हमारे जो टाइटल होल्डर्स जो नागपुर से, नासिक से और पता नहीं कहाँ कहाँ से आए हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे शो में आए हैं विच आई एम वेरी हैप्पी, बहुत सारे लोग टाइटल होल्डर के साथ। और अभी मैं एक आखिरी बार ये बोलना चाहूँगी कि जैसे सब लोग कॉमेडियन, हम वीआईपी जी को कॉमेडियन करके जानते हैं, नाउ भी सब उनको एक बड़े एक्टर के तौर पे और जाने, बहुत उनका नाम हो ऐसे दिल से इच्छा है और हमारा जो शो है उसमें ये बार बार आते रहे, अगले एल्बम बनाओ हमारे, बिल्कुल आते रहे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ हबीब और स्नेहलता को, आई थिंक दे बोथ हैव डन सच अ फैबुलस जॉब। जो हमारी जो वुमेन्स हैं जो बेचारे सोचते हैं कि नहीं अब हम कुछ लाइफ में नहीं कर सकते हैं, जब वो स्टेज पर आती हैं और अपना बेस्ट देती हैं तब उनमें एक नई ऊर्जा आती है, वो जो एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस जो हम उनके चेहरे पे देखते हैं आई थिंक वो वर्थ वाइल। सो आई थिंक दे बोथ हैव डन फैबुलस जॉब बाय गेटिंग इंडियन वुमेन हैप्पीनेस ऑन देयर फेस। थैंक यू सो मच। आउटफिट कितना इंपॉर्टेंट होता है, खास करके रितु ने जो एफर्ट डाला है कितना परफॉर्म रहा, क्या कुछ करना चाहिए? नो, आई थिंक आउटफिट से पूरा पर्सनैलिटी चेंज होता है एंड जो रितु ने पूरा लोगों को चेंज कर दिया है, आई थिंक बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर हम देखें तो आई थिंक देर इज़ अ वास्ट डिफरेंस। सो आई थिंक रितु हैज़ डन मार्वलस जॉब, थैंक यू रितु फॉर डिजाइनिंग। कोई पर्टिकुलर अंडरस्टैंड जिसका शेयर दूं तो बखूबी उसने केयर किया, उस ड्रेस को कैरी किया। आई थिंक आर्या लड़की है मिस में कंटेस्टेंट, शी हैज़ पोर्ट्रेड हर सेल्फ सो नाइसली और इतनी ब्यूटिफुली वॉक करके उसने जो आउटफिट को जस्टिस दिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो जो नम्र लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पसंद है एंड वी जस्ट गॉट अलॉन्ग, जब वो मीत के शूट में आए थे तो हम अच्छे दोस्त बन गए थे वहाँ पे, वी कनेक्टेड ऑन रील्स एंड देन व्हेन ही सेड कि ही इज डूइंग समथिंग लाइक दिस आई सेड डेफिनेटली बिकॉज ही इज़ वेरी एंटरप्राइजिंग एंड ये जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे और आगे भी फ्यूचर में, ये फर्स्ट टाइम के लिए इन्होंने बहुत बेहतरीन किया है क्योंकि फर्स्ट टाइम मैंने बहुत सारे लोगों का अटेंड किया एंड आई सॉ के इतना ऑर्गेनाइज, मतलब उस तरह से नहीं होता, वे यू हैव डन अमेजिंग एंड आई लव योर क्राउन्स ऑल्सो, बहुत ब्यूटीफुल क्राउन्स है और जो जिन्होंने पहना है वो भी बहुत ही खूबसूरत है सब एंड अमेजिंग हाउ यू गॉट एवरीथिंग टुगेदर वन मैन शो एंड डॉक्टर स्नेहल होता। मुझे एक चीज़ जो अच्छी लग रही है कि सिर्फ पहले क्या होता था, सिर्फ मिस इंडिया,
36 24 36, हाइट 5'7" 8, बस इन्हीं को क्राउन्स और अवार्ड्स मिलते थे. पर अब जो है हर शेप हर साइज हर कलर हर एज ग्रुप में जो एक यू नो ये दिया जा रहा है इंकरेजमेंट लेडीज़ को दिया जा रहा है कि हर एक में कोई ना कोई खूबसूरती होती है, कोई कला होती है, कोई टैलेंट होती है और उसको सहारा जा रहा है. दैट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग मी फील ग्रेट अबाउट सच शोज़. और इसीलिए मैं इसका हिस्सा बनती हूँ क्योंकि ऐसी जो महिलाएं हैं जो यू नो एक टाइम में ऐसे होता था अंडर कॉन्फिडेंट होती थी और समझती थी खुद को कम समझती थी, बट अब ये ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से जो हबीब लेकर आए हैं ऐसे प्लेटफॉर्म्स की वजह से हर महिला और नॉट ओनली महिला जेंट्स भी यू नो यू डोंट नीड टू बी अ टॉल डार्क एंड हैंडसम. आपके अंदर कुछ टैलेंट कुछ कला है एंड यू आर फिट फॉर अ क्राउन. आपने ऋषिकेश को मुखर्जी को फॉलो किया, क्या कुछ चल रहा है आपका जीवन कैसे चल रहा है और क्या कुछ ये मैं कहूंगा ये लड़की है क्या रे बाबा बराबर इसकी अदा अभी भी रे बाबा रे बाबा. सो वैष्णो में जी धमाल है, बहुत सारी चीजें हैं. पहले से बोलने में क्या मजा है, आगे आगे देखिए होता है क्या. सो परिणीति ऑन एयर है बालाजी टेलीफिल्म्स का, दैट्स गोइंग गुड. और इसके अलावा दो तीन फिल्में हैं विच विल बी रिलीजिंग एंड वेब कंटेंट भी किया है मैंने, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा. यस मैं पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा वैष्णवी जी, थैंक्स अ टन, नॉट बिकॉज ओनली आई एम अ फ्रेंड बट आपने मेरे सारे जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको फेलिसिएट किया, आपने आपने इतना वक्त दिया उस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आपका सपोर्ट ऐसा ही हमारे साथ रहे, सो थैंक्स. दोस्ती अलग है बट इस चीज़ के लिए इन सबको आज बहुत एक घर पे खुश जाएंगे, रात को सोएंगे ड्रीम्स अच्छे आएंगे इनको और मुझे सुकून से नींद आएगी कि नहीं वैष्णवी जी ने अपना वादा निभाया. सो वादा निभाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. वैष्णवी जी क्या लगता है स्नेहा लता का स्नेह इन लोगों को मिलता रहे आगे भी ऐसा कुछ कहना? स्नेहा जी अगेन मैं इनके बारे में भी कहना चाहूँगी कि ये भी हबीब की तरह ही है, वेरी डाउन टू अर्थ अगेन एंड वेरी स्वीट. थैंक यू. यस नाम का पूरा असर है उन पर. यस इन दोनों में बिल्कुल वेरी गुड जॉब. वेरी गुड जॉब इसलिए क्योंकि जस्ट मैंने अभी कहा कि जो महिलाओं को जो इंकरेजमेंट की ज़रूरत है इससे आप एक महज एक हाउस वाइफ नहीं, क्योंकि हाउस वाइफ में भी कला और टैलेंट होती है. हर यू नो एज ग्रुप हर कलर हर रेस, तो इसमें कोई बाधाएं नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है और ये चीज़ आप लोग ऐसे प्रोग्राम्स लाकर इस चीज़ को साबित कर रहे हैं एंड हमारे कल्चर को भी बहुत अच्छे से समझ. हाँ आई लाइक स्माइलिंग पीपल बिकॉज आई लाइक टू स्माइल ऑल्सो. बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक यू हम्बल. मेरा एक्सपीरियंस फॉर द शो ओके एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ये टाइटल भी मैंने पा लिया है, सो थैंक्स टू हबीब. दिस इज़ फेस ऑफ इंडियन प्राइड वॉक, तो सीज़न वन का फेस हूँ, चेहरा हूँ और उम्मीद करती रहूँगी कि हम इस सफ़र का हिस्सा बने रहेंगे और ऐसे सीजन्स में मैं नहीं कहती कि मैं ही हमेशा फेस रहूँगी लेकिन उम्मीद छोड़ूंगी भी नहीं लेकिन बहुत अच्छा रहा और कॉन्ग्रेट्स करना चाहूँगी स्नेहलता को भी और हबीब को भी. सो थैंक यू, एक बहुत अच्छा है ये सीज़न और बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट्स हैं, सबको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने एनकरेज किया. हबीब हैज गॉट सम वेरी गुड पीपल ऑन बोर्ड. यस जैसे कि डॉक्टर पल्लवी हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, शी इज़ वेरी गुड एंड ऋतु जो डिज़ाइनर है जितने भी कपड़े हैं वेरी गुड क्लोथ्स. So you did not compromise on anything, and that is what I like the best about this. और जहाँ तक मैं डॉल्फिन जी के बारे में कहना चाहूँगा, सब लोग जो टाइटल्स होते हैं वगैरह यू नो अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, बट वी वर हंटिंग फॉर अ वेरी गुड फेस फॉर आर ब्रांड, जो शुद्ध यू नो क्यूट सा फेस हो, डायनामिक हो और जो ट्रेंडिंग भी हो. डॉल्फिन जी इज़ ट्रेंडिंग ऑन टीवी, वेब सीरीज़ उनकी आई है, सो शी इज़ ट्रेंडिंग. हमको एक फेस की ज़रूरत थी तो मैं डॉल्फिन जी के पास खुद गया, मैं कहा कि मुझे एक अच्छे फेस की ज़रूरत है, क्या आप हमारा फेस बनेगी?
एंड शी वॉज लाइक मुझे क्राउन देगा एंड आई वॉज लाइक फेस हो तो क्राउन जरूर मिलेगा आपका अंदर की बात बोलती और बहुत बहुत धन्यवाद डॉल्फिन that you came and you became my face not only for this show but ek saal tak aap hamara face rahenge hum agar is beech pe kuch bhi karte hain to hamare next ppt mein as face dolphin ki ka aapko face dikhega hamare ppt dolphin thank you jawabdari kandhe pe pad rahi hai jawabdari to badi hi hai aur थैंक्स बोलूँगी मैं हबीब को कि मुझ पर पहली बात तो भरोसा किया और ये जिम्मेदारी मेरे कंधे पर दी और मैं कोशिश करूँगी इस जिम्मेदारी को एक पूरे साल भर तक अच्छी तरीके से निभाने की पर्सनल एक दोस्त के नाते भी और कहीं ना कहीं जो एक्ट्रेस होने का भी एक सर पर है मेरे जो मुझे वो भी संभाल कर चलना है तो मैं वो भी कोशिश करूँगी कि मैं वो कायम रखूँ थैंक यू थैंक यू थैंक यू